हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इनसेन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम अभी छत पर हूँ और अभी रात हो रही है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, और आज दिवाली भी है, सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। तो कुछ यूनिक करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि बॉम्ब से पेंटिंग बनाएंगे, पटाखे से जो है हम पेंटिंग बनाएंगे। तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ठीक है। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं ये सब इसको ना आजमाएं, ठीक है, बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें घर पर ना दोहराएं, ठीक है, तो इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। और दूसरी बात, हम देखेंगे क्या यूनिक पेंटिंग बनेगी इसमें एंड में, ठीक है। साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें करेंगे और मैं भी इसमें कुछ क्रिएटिविटी करके दिखूँगा एंड में, कुछ पेंटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और देखते हैं कि एंड में बनता क्या है। तो मैं जो है आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ कि हमने क्या कर रखा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ, ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर रखी है। तो अभी मैं थोड़ा सा और दिखाऊँगा आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है मैंने पूरा जो है इसको ढक दिया है, जो गंदी चद्दरें होती हैं, ताकि जो है हमारा कलर जो है स्प्लैश ना करें। अब देख सकते हो कि ये हमारा मेन चीज़ है, ठीक है, ये हमारा बॉम्ब है और इस बॉम्ब को हम यहाँ रखेंगे। इसके पीछे ये कलर वाले जो हमने बनाए थे इसको फोड़ेंगे, पीछे कुछ स्प्लैश होगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ वाटर से कुछ करूँगा, सो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। सो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से वाटर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं स्प्रे करके वाटर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे स्प्रे से वाटर लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो है इसको ब्रश से थोड़ा सा फैला रहा हूँ। अब पानी की बोतल से यहाँ पे मैंने जो है सारा गीला कर दिया पेपर, और कुछ स्प्रे वगैरह सब इस पर छिड़केंगे। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको बाद में पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बम बनाना सीखेंगे कि हमने वो जो पटाखा था वो कैसे बनाया था। सो उसके लिए इस तरीके से ये वाले जो पटाखे आते हैं ये ले लेंगे हम, ठीक है। बम बम बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। सो यहाँ पे इसको इस तरीके से ये निकाल देंगे, ये जो इसका कागज़ होता है उस पर लगा हुआ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पटाखा था, जो स्पेशल पटाखा जो हम बना रहे हैं, ये कैसे बनाया है मैंने। तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे टेप से लगा देंगे, ठीक है। टेप से इसको बांध देंगे दोनों को चारों तरफ से अच्छे से। तो इसको फटाफट से बांध देते हैं यहाँ पर टेप लगा के। और अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा टेप हम ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली इसकी धागा होता है इसको भी हम बांध देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको टेप को चिपका के, अब ये जो डंडी थी, क्या बोलते हैं इसमें जो है बारूद लगा होता है, इसको जलाते हैं। तो ये मैंने एक ही कर दिए, दो अलग अलग थी, अभी मैंने एक ही बना दिए। तो अब ये पूरा एक ही पटाखा बन गया, ठीक है। वैसे तो आप चाहो तो एक पटाखा ले सकते हो जो कि इससे काफ़ी बड़ा हो। तो अब इसको जो है अच्छे से टेप से लगा देते हैं, बस इतना टेप जो है बहुत रहेगा यहाँ पर। तो मैंने कागज़ वाला टेप लिया, पिन्नी वाला टेप नहीं लिया, जो आपकी मास्किंग टेप होती है ना वो लिया। अब इसमें थोड़ा एक्रेलिक कलर डाल देते हैं, थोड़ा सा रेड एक्रेलिक कलर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना, बहुत थोड़ा सा डालना है, ताकि कलर जो है थोड़ा सा लिक्विड में रहे, ताकि वो फैल सके। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो अब जो है कलर को मिक्स करके थोड़ा सा और कलर लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब जो है कलर को हम इसके अंदर डाल देंगे बलून के अंदर अच्छे से, और धीरे धीरे करके डाल देंगे, ताकि जो हमारा कलर जो है अच्छे से अंदर चला जाए पानी कलर का। तो ये अच्छे से डाल देंगे इसको कलर को, और जब कलर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, तो हल्का सा हम इसको फुला देंगे गुब्बारे को हवा से, ताकि ये थोड़ा सा फूला सा हो जाए। तो अब जो हमारा ये बलून रेडी हो गया है, आप देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा सा हवा से फूंक मार के थोड़ा सा इसको फुला दिया, ताकि ये पानी इसमें ऐसे तैरे जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो एक बलून तैयार हो गया। अब येलो कलर डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। अब बाकी के जो दो रंग हमने लिए थे, ब्लू और येलो, येलो कलर को मैं येलो बलून में डाल रहा हूँ। अब इसको जो है ये कोन बना के मैंने इसके अंदर कलर को डाल दिया। तो ये भी तैयार हो गया। अब ये तीनों हमारे पास तैयार हो गए, रेड ब्लू और ये येल्लो, ये तीन बलून के तीन कलर तैयार हो गए। हम क्या करेंगे, इन तीनों बलून को लेंगे, पहले तो हम इन तीनों को जो है अच्छे से बांध देंगे। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, ताकि आपका जो है बम फटने के बाद जो कलर है ना वो एक साथ ही फटे, ऐसा ना हो कि वो अलग अलग जाके फट रहे, वरना क्या होगा, एक बलून अगर कहीं और गिरेगा तो कहीं और गिरेगा, फिर वो आपस में अलग अलग फटेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो जो है इसकी अरेंजमेंट भी सही से करनी है आपको बलून्स की। मैं बलून को थोड़ा पीछे की तरफ लगा रहा हूँ इस पटाखे के, और इसको जो है हम अच्छे से जो है इसको टेप से बांध देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको टेप लगा देंगे चारों तरफ,
टेप से कवर कर देते हैं, ज़्यादा टेप भी नहीं लगानी, खाली इस तरीके से टेप लगानी कि बंधा रहे आपस में और ये एक दूसरे से अलग ना हो यहाँ पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें गाइस। तो मैं यहाँ पे जो है इसको अच्छे से बांध देता हूँ, तो ये जो है इसको टेप से हमने ऐसे बांध दिया। तो अब देख सकते हो ये हमारा जो पटाखा है, जो बॉम है हमारा तैयार हो गया, कलर बॉम जिसको हम बोलेंगे, जिससे हम पेंटिंग बनाएंगे और इससे काफ़ी ज़बरदस्त पेंटिंग बनेगी। आप देख सकते हो किस तरीके से लग रहा है ये। सो हम इसको आग लगा देते हैं यहाँ पे और आग लगा के बहुत दूर भाग जाते हैं, बहुत दूर भागते हैं। चलो चलो भागते हैं, अब ये बम फटेगा यहाँ पे। तो 1 2 3 तो गाइस देख सकते हो आप कितना धमाकेदार बम पड़ा और एक पेंटिंग तैयार हो गई अमेजिंग सी, कलर बहता हो जा रहा नीचे। व्हाट अ ब्यूटी, आप देख सकते हो किस तरीके के यहाँ कलर निकल के आए हैं। ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल आर्ट बना है, कसम से ऐसा आर्ट मैंने सोचा नहीं था इतना खूबसूरत बनेगा। जो बादल वाला हल्का हल्का इफेक्ट आया यहाँ पर, ये जिस तरीके से बना है यहाँ पर, बस थोड़ा सा ना मुझे यहाँ कुछ लग रहा है कि यहाँ पे ना एक चील दिख रही है मुझे। देखो ये एक पंख है, ठीक है, इधर एक दूसरा पंख है यहाँ पे, और ये इधर चोंच दिख रही है, एक ईगल का कुछ बन गया यहाँ पैर। और ये अगर ये देखोगे इधर, ये बिल्कुल एकदम थंडर का इफेक्ट दे रहा है, ये जो बिजली कड़कती है ना बादलों में से, बिल्कुल बिल्कुल सेम वही इफेक्ट आया यहाँ पे, जैसे बिजली कड़क रही हो। एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत बनी है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये ईगल की चोंच एरी, ठीक है, ये ईगल की में से किसी में से दो पैर मान लो यहाँ पे मान लो, और नीचे इसकी शक्तियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, और ये इसकी शक्तियाँ इतनी हो रही है कि यहाँ पर ये बिजली कड़क रही है। एक होता है ना फायर ईगल, जैसा हैरी पॉटर की मूवी में था, बिल्कुल वही उसी से मिलकर तो कुछ बना। यहाँ पर इसका एक पंख हो गया, यहाँ पर इसका दूसरा पंख हो गया, एक पक्षी जैसा आकार बन गया यहाँ पे, देख सकते हो कितना खूबसूरत बना है। आई होप गाइस ये जो यूनिक एक्सपेरिमेंट था ये आपको पसंद आया होगा, और भी इतने के एक्सपेरिमेंट में डाल सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बताइए। अगर आपके दिमाग में कोई अतरंगी आइडिया हो तो हम उसको भी जो है करके देखेंगे और देखेंगे क्या होता है। सो अपने भी दिमाग के अतरंगी आइडियाज़ जो है यूट्यूब सेक्शन में जो है शेयर करें, और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रख लें, ताकि आपसे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।